माननीय अध्यक्ष जी, ये सदन इस बात का साक्षी है कि कोरोना वैश्विक महामारी से जो बनी स्थितियां, जो स्थितियां उत्पन्न हुई, उसको निपटने के लिए भारत ने जो भी रणनीति बनाई, उसको लेकर के डे वन से क्या क्या नहीं कहा गया, किस किसने क्या बोला, आज वो खुद देखेंगे तो उनको हैरानी हो जाएगी, ऐसा कैसे बुलवा लिया, किसने बुलवा लिया, पता नहीं क्या बोल दिए हम लोग। दुनिया के और लोगों से बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस कर गए, ऐसी बातें बुलवाई गई ताकि पूरे विश्व में भारत बदनाम हो, खुद को टीके रहने के लिए आर्थिक आयोजन को भारत कैसे चल रहा है, माय गॉड क्या कुछ कहा गया, बड़े बड़े पंडितों ने क्या क्या कहा, पूरी आपकी इकोसिस्टम लग गई थी। हम जो भी समझते थे, भगवान ने जो समझ दी थी, लेकिन समझ से ज्यादा समर्पण बहुत बड़ा था, और जहां समझ से समर्पण ज्यादा होता है वहां देश और दुनिया को अर्पण करने की ताकत भी होती है, और वो हमने करके दिखाया है। और जिस रास्ते पर हम चले, आज विश्व के अर्थ जगत के सभी ज्ञाता इस बात को मानते हैं कि भारत ने जिस आर्थिक नीतियों को लेकर इस कोरोना कालखंड में अपने आप को आगे बढ़ाया, वो अपने आप में एक उदाहरण ही है, और अनुभव भी हम करते हैं, हमने देखा है। माननीय जी, भारत आज दुनिया की, माननीय अध्यक्ष जी, भारत आज दुनिया की जो बड़ी इकोनॉमीज है उसमें सबसे तेजी से विकसित हो रही बड़ी अर्थव्यवस्था है। माननीय अध्यक्ष जी, इस कोरोना कालखंड में भी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड पैदावार की, सरकार ने रिकॉर्ड खरीदी की, दुनिया के अनेक देशों में जहां खाने का संकट पैदा हुआ, और आपको पता होगा 100 साल पहले जो आपदा आई थी उसके जो रिपोर्ट है उसमें ये बात कही गई है कि बीमारी से मरने वालों की जैसी तादाद है वैसी भूख से मरने वालों की भी बड़ी तादाद है, उस समय के 100 साल पहले की रिपोर्ट में है। इस देश ने किसी को भूख से मरने नहीं दिया, 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया, और आज भी करा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा टोटल एक्सपोर्ट हिस्टोरिकली हाईएस्ट रिकॉर्ड पर है, और ये कोरोना काल में है। कृषि एक्सपोर्ट ऐतिहासिक रूप से टॉप पर पहुंचा है, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट नई ऊंचाई तरफ बढ़ रहा है, मोबाइल फोन एक्सपोर्ट्स अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, डिफेंस एक्सपोर्ट, कईयों को परेशानी हो रही है, यह आत्मनिर्भर भारत का कमाल है कि आज देश डिफेंस एक्सपोर्ट में भी अपनी एक पहचान बना रहा है।